अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुज़म्मिल इकबाल, आवर क्लास इज़ 7th, द डेट इज़ 15th अप्रैल 2020, आवर सब्जेक्ट इज़ जनरल साइंस। वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 1, टू डे द टॉपिक इज़ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ट्रैकिया एंड इट्स फंक्शन। ट्रैकिया क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स, और ब्रोंकाई और लंग्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिया, एयर पासिस फ्रॉम लेरेंस इंटू ट्रैकिया। आवर ट्रैकिया इज सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये आप जरा पिक्चर को देखें, आपके बुक के पेज नंबर 9 पे भी बनी हुई है, 8 पे बनी हुई है आई थिंक। अच्छा, यहाँ आपका माउथ और नोज था, ठीक है, ये वाला आपका नोज था। उसके बाद आपकी जो एयर है वो लेरिंग्स में आई थी। अब लेरिंग्स से गुजरते हुए आपकी हवा, आपकी एयर जो है, आप सांस ले रहे हैं तो एयर अब पहुंची है ट्रैकिया में। होता क्या है, म्यूकस एंड टेनी हेयर इन ट्रैकिया फिल्टर द एयर। सबसे पहले नोज से एंटर हुई, वहाँ पर भी म्यूकस मौजूद था और टेनी हेयर्स मौजूद थे जिन्होंने फिल्टर किया था हमारी सांस को, हमारी एयर को। उसके बाद लेरिंग्स से गुजरती हुई ट्रैकिया में पहुंची, तो वहाँ पर भी मौजूद हैं टिनी हेयर और म्यूकस, वहाँ पर भी हमारी एयर जो है, हमारी सांस जो है वो फिल्टर होती रहती है। एयर पासिस फ्रॉम लेरिंग्स इनटू ट्रैकिया, अवर ट्रैकिया इज सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हाँ जी, ये बताना था आपको, सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं, कभी आपने देखा हो कुर्बानी के जानवर के जब लंग्स निकाले जाते हैं तो उनके साथ ट्रैकिया भी मौजूद होता है। वैसे भी अब अगर कहीं कभी शॉप से, गोश्त वाली दुकान से आप गोश्त लिया हो, साथ लंग्स भी लिए हो, तो जो लंग्स होते हैं उनके साथ ट्रैकिया भी होता है, तो ट्रैकिया को आप बखूबी देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो उसके ये रिंग्स होते हैं जो कच्ची हड्डी टाइप होते हैं, उसकी हड्डी मजबूत नहीं होती, वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। वो रिंग्स होते हैं जिनको बताना था आपको कि ये जो ट्रैकिया है वो रिंग्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। बच्चे ये देखो, यहाँ पर ट्रैकिया जो है वो एक नाली थी, ठीक है, वन ट्यूब थी, यहाँ पर डिवाइड हो गई है दोनों में, दो ट्यूब्स के अंदर। These two tubes collectively called bronchi and the singular is bronchus. इस एक को bronchus कहेंगे अगर अकेली को कहना है तो, लेकिन trachea divides into two branches called bronchi. इन दोनों को इसको और इसको bronchi बोलेंगे, ठीक है। अब trachea दो में divide हो चुका है। What are bronchioles? बच्चे ये जो trachea है, sorry trachea नहीं, ये जो क्या चीज़ है ये वाली, ये जो दो नालियां बन चुकी हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये हमारे लंग्स में एंटर हो चुकी हैं। अब ये ही ब्रोंकाई या ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर होती हैं तो यही एक नाली, एक ट्यूब अंदर हजारों करोड़ों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मैनी ट्यूब्स में, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स में ये वाली जो है हमारी वन ब्रोंकस डिवाइड इनटू मैनी ट्यूब्स, ठीक है। तो इन ट्यूब्स को ट्रैकिया डिवाइड हुई टू ट्यूब्स में, उनको नाम दिया गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग। जब एंटर इनटू द लंग, लंग्स के अंदर जब ये एंटर होती है तो ये मैनी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो उसको हमने नाम दिया किस चीज़ का, ब्रोंक्यूल्स। व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इन ईच लंग ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। समझ लगी होगी आपको कि ये जो
ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है, इसने एंटर होना है तो इसने डिवाइड हो जाना लंग्स के अंदर जाके मैनी ट्यूब्स के अंदर, उसको नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। अच्छा, अब इस एक छोटी ट्यूब को, इस वाली छोटी ट्यूब को मैंने उठाकर बाहर बनाया। अब ये जो ट्यूब है जा रही है लंग्स के अंदर, ये जो मैनी ट्यूब्स छोटी छोटी ट्यूब्स हैं लंग्स के अंदर जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाकर ओपन भी तो होती होगी ना, जहाँ पर हमने हमारी सांस ने जाना है, ठीक है। तो ये जहाँ जाकर ओपन होती है तो उस जगह को भी मैंने बनाया है। ये तो आपको पता चल गया, ये जो स्मॉल ट्यूब्स में ब्रोंकाई डिवाइड हुई उसको नाम दिया गया ब्रोंक्यूल का जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब एल्वियोलाई किसे बोलते हैं बच्चे? एल्वियोलाई वो जगह है, एयर सैक्स। एयर सैक क्या होती है? खुली जगह जहां पर ब्रोंकाई जाकर ओपन हो जाती है, ये इस तरह से ना एयर सैक्स है। आप पिक्चर में देखिएगा, बुक पे जो पिक्चर बनी है उसमें आपको अच्छी तरह पता चलेगा। आपकी ब्रोंक्यूल जब ओपन होती है तो वो ऐसे कह लेंगे आप सर्कल शेप होते हैं ओपनिंग्स, ठीक है, जिस जगह पर ये ओपन होती है एंड होती है कह लें, उसको नाम दिया गया, उसको कहते हैं एल्वियोलाई। समझ आ गई? अच्छा, अब एक बात आपको और बतानी है कि जब हमने सांस लिया, सांस नोज से लेरेंक्स में, नोज से थ्रोट में, थ्रोट से लेरेंक्स में, लेरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे आया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर इस ट्यूब, ये जो ट्यूब्स बनी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, हमारी पूरी बॉडी के हर सेल तक सांस कैसे पहुंचा, ऑक्सीजन कैसे पहुंची। अब ये जो एंड पॉइंट था कौन सा? एल्वियोलाई, जहाँ तक हमारी सांस हमारी ऑक्सीजन पहुंची। यहाँ एल्वियोलाई जो है, ये मिसाल के तौर पर एक एल्वियोलाई, इनके ऊपर कह लो, ये एक इसके ऊपर भी, इनके ऊपर कैपिलरीज, खून की नालियां होती हैं मौजूद, खून की नालियां कह सकते हैं आप, वो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वैसे तो उनका नाम कैपिलरीज है जो हमारी बॉडी में लेकर जाती हैं ऑक्सीजन। अच्छा, कैपिलरीज जो हैं वो यहाँ से आपकी ऑक्सीजन को, वो ब्लड की ट्यूब्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती हैं, और हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं, हमारी खून के, हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल हैं, यहाँ से जब कैपिलरीज ने एक्सट्रैक्ट किया, हासिल किया किसको? ऑक्सीजन को। तो हमारे रेड ब्लड सेल ने यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑक्सीजन को। ये हमारा था क्या, कौन सा सिस्टम था? रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आज आपका एक तो क्वेश्चन ये है, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन आज लर्न करने के लिए होगा, आपने एक्सरसाइज ओपन करनी है, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन कुछ यूं है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ एंड स्टोमक इन द डाइजेशन ऑफ फूड? आपके मुंह का और आपके मैदे का क्या किरदार है निज़ाम इन्हिज़ाम में, ठीक है, आपकी डाइजेशन के अंदर, फूड की डाइजेशन में माउथ और स्टोमक क्या करते हैं? तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो टॉपिक है माउथ, उस पे आ जाना है, ठीक है। स्टार्ट करना है आपने, अंडरलाइन करना, स्टार्ट करना है कहाँ से, द प्रोसेस, शुरू से, स्टार्ट से स्टार्ट करना है आपने, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करते जाना है, और कहाँ तक जाना है, जहाँ पर लिखा हो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ तक आपने अंडरलाइन करना है माउथ वाले टॉपिक को, ठीक है। ये तो हमारा हो गया माउथ। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ एंड स्टोमिक, तो स्टोमिक में आपने आना है, स्टोमिक का उससे नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमिक का, तो स्टोमिक में आपने आना है, स्टोमिक का टॉपिक सारा करना है, लेकिन उसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाला सेंटेंस जो है वो आपने काट देना है, इट स्पेंड्स लिखा होगा, इट स्पेंड्स 4 hours इन द स्टोमिक, ये वाली लाइन आपने काट देनी है, बाकी सारा आपने करना है स्टोमिक में, लेकिन इसमें आपने द प्रोसेस से स्टार्ट करना है और कार्बोहाइड्रेट्स तक जाना है, स्टोमिक में बाकी सारा करना है, लेकिन ये वाली लाइन आपने काट देनी है, ठीक है।
तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लर्न होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।